रेडी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक बड़ा वाला जो नींबू होता है उस पर जो है गुट्टी कलम बांधना सीखेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा ये जो है नींबू फरा हुआ है और पक गया इस समय। यह सीजन जो है कि नवंबर का चल रहा है और यह ठंडी में ही अक्सर जो है फल पकता है और खाने में भी बहुत मीठा लगता है। अब बड़ा वाला ये नींबू मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी नींबू पर हम लोग आज ग्राफ्टिंग करेंगे, सॉरी ग्राफ्टिंग कह रहे हैं, गुट्टी विधि से कलम बांधेंगे हम लोग। तो आइए चलते हैं उस शाखा की तरफ जिस तरफ हम लोगों की गुट्टी तैयार करनी है। हमें चाहिए गुट्टी बांधने के लिए, ये मिट्टी हम लोगों ने तैयार की है, नॉर्मल गार्डन सॉयल है जिसमें जो है कि थोड़ा सा कोकोपीट मिलाया हम लोगों ने, और ये पॉलीथीन है जो घरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है वही पॉलीथीन है। ये रस्सी है जिसकी सहायता से हम लोग गुट्टी को बांधेंगे, और ये शार्प कटर है, ये कटर है जिससे हम लोग गुट्टी को बांधेंगे, काटेंगे। रेडी रेडी दोस्तों, हमने इस शाखा का चुनाव किया है गुट्टी बांधने के लिए। अब इस पे जो है क्या करेंगे, ये एक जो है सर्कल बनाएंगे, ऐसे सर्कल को बना लेंगे। सर्कल इसलिए है ताकि इसकी छाल आसानी से उतर जाए यहाँ और यहाँ से, फिर एक ऐसे कट निकालेंगे, मतलब कट निकालने के बाद इसकी छाल को ऐसे आसानी पूर्वक हल्के हल्के हाथों से हटा लेंगे। सावधानी से हटाइएगा क्योंकि ये छाल जो है पूरी उखड़ सकती है। छाल ये ऊपर का हिस्सा निकल आए तो इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से स्क्रैच कर देंगे ताकि इस तना का जो रेशा है इससे पौधे को, इस टहनी को भोजन जाता है वो गुट्टी को मिले और जड़ जो है जल्दी से निकले। इस तरीके से तैयार कर लेंगे हम लोग। उसके बाद मिट्टी को लेकर के इस पे जो है चिपका देंगे। चिपकाने के बाद पॉलीथीन से हम लोग रस्सी की सहायता से बांध देंगे, इस पे हमारी गुट्टी बांध के तैयार हो जाएगी। ये मिट्टी है, मिट्टी से इस तरीके से इसको जो है चिपकाएंगे इस पे। सब देख रहे हैं किस तरीके से हम चिपका रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने गार्डन में अगर बड़ा वाला नींबू लगाए हैं आप लोगों ने तो उस पर गुट्टी तैयार कर सकते हैं। मिट्टी को चिपकाने के बाद इस पर पॉलीथीन बैग की सहायता से लपेट करके अच्छे से रस्सी से बांध देंगे हम लोग। इस पॉलीथीन बैग से इसकी इस मिट्टी के ऊपर अच्छे से इसको रैप कर देंगे, ढक देंगे इसको। ढकने के बाद यहाँ इस सिरे पर और इसके निचले सिरे पर दोनों जगह रस्सी की सहायता से आप इसको बांध सकते हैं, जिससे हमारी गुट्टी जो है बन के तैयार हो जाएगी और लगभग 40 से 45 दिनों में इस गुट्टी में जड़ आ जाएगी। जड़ाने के बाद आप लोग इस गुट्टी से नया पौधा बन के एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, और यहाँ से काटने के बाद इसको हम लोग अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और इस तरीके से आसानी पूर्वक आप अपने घर पे बैठे बैठे एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ओके पे भी एक जो है बांध दिया जाता है ताकि इसमें की मिट्टी जो है वो चिपकी रहे अच्छे से और इसकी नमी बनी रहे। हम लोगों ने ये गुट्टी नवंबर माह में बांधी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार जी हैं। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, नई गुट्टी बांध के तैयार कर दी है हम लोगों ने। आप देख सकते हैं
ये हमारी गुट्टी बद के अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम लोग ये बड़ा वाला जो नींबू है आप नीचे देख सकते हैं कितना फरा हुआ है, एक नया पौधा ले सकते हैं गुट्टी की तरह बात करके। दोस्तों अगर आप लोगों को ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट इसलिए कीजिएगा दोस्तों कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो हम लोगों को क्या कमियां हैं और वीडियो को कैसे अच्छे बना सकें ये चीज़ें पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों।